आप इन्हें कब से जानते हैं? ये कोई 2-2.5 सालों से, इनफैक्ट जब से वो मेरे पास जॉब के लिए आई थी तब से। हमें तफ्तीश से पता चला है कि वो कराची में अकेली रहती थी, वो भी आपके दिए हुए फ्लैट। मतलब बड़ा गहरा ताल्लुक था आपसे। नहीं, ताल्लुक का तो मैं कुछ नहीं कहूंगा जी। वो फ्लैट मैंने ही उन्हें दिया था, वो उनकी मजबूरी को देखते हुए, क्योंकि जब मेरे पास आई थी वो जॉब के लिए तो बहुत गरीब, बहुत ही मजबूर थी, इसलिए मैंने मदद कर दी उनकी। लेकिन इससे पहले आपने किसी और एम्प्लॉय को तो फ्लैट नहीं दिया। इत्तेफाक है, अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय इतना ज़रूरतमंद, इतना गरीब होता तो मैं उसकी भी मदद करता। हमें पता चला है कि आपने उसे नौकरी से भी निकाल दिया था और फ्लैट खाली करने का भी कहा हुआ था। जी, वो एक्चुअली मेरे लिए बदनामी का बाइस बन रही थी। बदनामी? मतलब? मतलब क्या समझाऊँ मैं आपको? एक लड़की है जो मर गई, ऐसी बातें करना भी मुझे बहुत ही मायूब लग रहा है अभी। वो एक नंबर की कामचोर और आवारा लड़की थी। उसने मेरे ऑफिस का निज़ाम भी धर्म भरम करके रखा हुआ था। फिर जहाँ उसका फ्लैट था वहाँ भी आसपास से इतनी कंप्लेंट्स थी उसके बारे में कि ये बच्चलन है, यहाँ अजीब अजीब से मर्दों का आना जाना लगा रहा। छोड़े, मैं क्या बताऊँ। हैरत की बात है, 2 साल से आपके पास काम कर रही थी पर आपको इससे पहले उसके कैरेक्टर का अंदाजा नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब मैं किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख के थोड़ी मदद करता हूँ। वो आप ही के ऑफिस में जॉब करती थी ना? जी, मेरे ही ऑफिस में जॉब करती थी। अच्छा चले, रहने दे, मैं आपको समझाता हूँ। आपके थाने में जितनी फोर्स है, क्या आपको सबका पता होता है कि छुट्टी के बाद वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं? नहीं ना, बस इसीलिए मैं भी। तुम क्यों चुप खड़े हो, कुछ बोलो ना। सर छोड़े ना, मरने वाली तो मर गई। ठीक कह रहे हो तुम, मरने वाली तो मर गई, और इनके लिए मुसीबत छोड़। कैसी मुसीबत? लाश के हाथ से ये तस्वीर मिली। सर उस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं था। क्या फायदा सरकार का और आलम सर जैसे शरीफ आदमी को परेशान करके वक्त बर्बाद करने का? सीधी सीधी बात कर लेते, क्या लेंगे फाइल बंद करने का? मलिक जाओ, मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी सर। आई
आपने अब्बू ने खाना खा लिया? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, सो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने आलम साहब से छुट्टी की बात की? कल करूंगी। अम्मी, नीलू सबा ने जो कुछ मुझे सर आलम के बारे में बताया था, आपको वाकई लगता है वो सब झूठी बातें थी? बिल्कुल, एक झूठी कहानी गढ़ी है उसने। भूल जाओ उसकी बातों को। अब बात सुनो, तुम बाप के सामने सारी कहानियां ना सुनाया करो। कमजोर दिल के आदमी है और ऑपरेशन सर पे खड़ा है। अम्मी, और अगर जो जो नूरुल सबा ने कहा है वो सब सच हुआ तो सर आलम ने वही सब कुछ मेरे साथ? किसी बातें कर रही हो? तुम्हें सिर्फ एहतियात की जरूरत है। खबरदार जो तुमने आइंदा उस लड़की की बातों को कान धराए। खाना खाओ। सर, क्या है? लीव एप्लीकेशन। सर मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टियां चाहिए, अब्बू का ऑपरेशन है मेरे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, फिक्र नहीं करना। एक मिनट सुनो, रुक जाओ। ये लो कुछ पैसे, ये तुम रखो, तुम्हारे काम आएंगे। मेरे लिए? नहीं नहीं सर, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। आपके पहले बहुत एहसान है मां। सॉरी सर। क्यों, मैं कोई गैर थोड़ी हूं, मुझे अपने ही समझो। ये लो रख लो। मैं जानता हूँ हॉस्पिटल में बहुत खर्चा होता है, पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तुम्हारे काम आएंगे, रख लो। नहीं सर, मेरे पास पैसे हैं अभी, आप ही ने दिए, लेकिन मैं अभी ये नहीं रख सकती। क्यों, अचानक से भरोसा खत्म हो गया मुझ पर से तुम्हारा? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं सच कह रही हूँ, अभी मुझे बाकी पैसों की जरूरत नहीं। मैं अब जाऊँ सर? हाँ जाओ।